हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज संडे भाई, छुट्टी है और मस्त। मैं लेट उठा था यार, आज भी नींद ही कंप्लीट नहीं हो रही। सुबह सुबह मम्मी की डांट खाई है मैंने, क्योंकि घर पे मेहमान आके चले भी गए और मैं सोया ही हुआ था, तो बहुत ज़्यादा डांट पड़ी है मुझे। तो अभी फ़िलहाल मैं आया था ऊपर, मेरा मोबाइल चार्जिंग को लगा था और पायल जा रही है कहीं पर। पायल रेडी हो रही, तो पायल जा रही है अपने सिस्टर के घर पुणे, क्योंकि उनके घर की हाउस वार्मिंग है, गृह प्रवेश। तो उसके लिए इनविटेशन दिया था उन्होंने। मैं तो नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑफिस है भाई और मेरा काम बहुत पेंडिंग है। तो कल है गृह प्रवेश उनका, तो मेरा तो कल ऑफिस होने वाला है, तो इसलिए पायल अकेली जा रही है उसके पापा मम्मी के साथ। ठीक है, तो इसलिए रेडी हो रही हो यहाँ पे। चलो, पायल निकल रही है, कब आएगी पता नहीं। अभी दोस्तों, आज हमारे मम्मी जी का बर्थडे है, जो कि मुझे अभी भी पता चला है। व्हाट्सएप पे स्टेटस देख रहा था, मुझे पता चला मम्मी का बर्थडे है। मतलब मम्मी का बर्थडे रहता है 5 में, है ना मम्मी? हाँ। भूल गए यार मैं। मम्मी को एग्जैक्टली उसकी बर्थडे पता नहीं थी, हमने ऐसे बैक ट्रेस करके निकाली मम्मी को पूछ के। मम्मी के मम्मी ने क्या बताया हमारे नानी जी ने, कि इसके जन्म के टाइम पे ना कोई कभी तो बाढ़ आई थी बहुत ज्यादा, तब घर हाँ, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने एक डेट निकाली है और वो मम्मी की डेट है अभी बर्थडे। पर हैप्पी बर्थडे मम्मी। कितने वर्ष हो जाली तू? 76 में मम्मी का जन्म हुआ था, 1976। तो कितने साल हो गए? 76 80 20 20 20 40 44 एंड 48 इयर्स। ओह माय गॉड, मम्मी 48 इयर्स की हो गई है। 48 वर्ष, 50 वर्ष होती तुला तो 2 वर्ष होती। हैप्पी बर्थडे टू माय मम्मी। थैंक यू। हां, थैंक यू। तो आज मम्मी के बर्थडे की क्या प्लानिंग है पता है? आज हमारे घर होने वाली है पूजा, ड्यूटा। ड्यूटा एक ऐसी सेरेमनी होती है, एक ऐसा फंक्शन होता है, जब हम जेजुरी जाते हैं तब उसके बाद घर आने के बाद आपको एक फंक्शन रखना होता है, जैसे ड्यूटा बोलते हैं। मतलब जो जेजुरी में जाके हमने पूजा वगैरह की थी ना भगवानों की, उसके साथ एक दिया भी लेके गए थे, उस दिया को ड्यूटी बोलते हैं मराठी में। तो उसकी पूजा होती है, तो उसकी पूजा करने के लिए आज हमारे घर पे खाना वाना बनेगा। और हमारी जो सारी फैमिली है, सोना मोना, बबलू, वैभव, मतलब बबलू और वैभव एक ही है, सचिन, उनकी सब फैमिलीज आएंगी और हम लोग यहाँ पे मस्त खाना खाएंगे। तो वो सीन होने वाला है आज का, तो हमारे ब्लॉग पे बने रहना है आप लोगों ने, ठीक है? ये देखो, मम्मी स्टेटस के ऊपर स्टेटस देखे जा रही है। मैंने पायल का स्टेटस देखा तब मुझे पता चला कि मेरे मम्मी का बर्थडे आज। श्रुतिला, पायल, लानी, सुनतेला माहित होतं। हाँ, ये देखो सब लोगों ने स्टेटस डाला है, हैप्पी बर्थडे आपका। सब लोग स्टेटस डाल रहे हैं मम्मी का। मम्मी तो सेलिब्रिटी बन गए भाई। किसने डाला है और मम्मी का स्टेटस? सुनता ने डाला है, मम्मी ने खुद ने डाला है खुद का स्टेटस। ठीक है, हैप्पी बर्थडे खुद को विश कर रही है मम्मी। पप्पा ने टाक लगा था, पप्पा ने डाला। पापा का तो कोई लेना देना नहीं है मम्मी के बर्थडे का। हैप्पी बर्थडे मम्मी वंस अगेन। थैंक यू। दादाजी के लिए स्वीट्स लाए हैं मैंने। आज मार, आज आज पर मेरे क्या हो गया? आज खाई चनी काई बांध गए। अच्छा ना, जेदर तो पर से जेतो खंडे राय जा बन। हां, देव मस्त झाले। कर भाई, ये कसं ठेवशल कला दादा? काय ये जीव लावून म्हणजे मग कुठ जाईल? पिशी पिटी आपली सौतची। मराठी शब्द है जीव लावून ठेवणे, इसका मतलब होता है दिल लगा के, जान लगा के किसी चीज को संभालना। तो ऐसा बोल रहे थे, वो बोल रहे थे मेरा व्रत है, रात को खाऊंगा, अभी तब तक जीव लाउन थे। अब ये लोग बैठ गए कला दादा की मजाक लेने के लिए। मंडळी जण तुमचं भांडण का झालं तो? देवाला येईना म्हणून खाकरा टाइम दोस्तो। ये तो उस दिन खाया था हमने स्वस्तिक के ऊपर, स्वस्तिक होटल में। हाँ का भाई, ये जो हमारा खेत है ना जिसमें बकरियां चल रही है, इसके अंदर हमने लगाए थे मूंगफली। ये देखो मूंगफली हमारी, ये हमें हेल्प कर रहा है मूंगफली तैयार करने के लिए। खाओ,
कश काय सांगा बरे झाले का बरे बरे माता काही पाणी नव्हतं त्याला हा ना पाणी नव्हतं तो मम्मी और श्रुति खाना बना रही यहाँ पे हमारे घर रात को सभी लोग खाना खाने के लिए आने वाले हैं उसकी तैयारी चल रही है क्या बन रहा है मम्मी खाने में मटकी मटकी चपातिया दाळ भात आज कोण बनवणार आहे माहिती कोण मला कोण मदत करू राहिलो श्रुति पाय गेली गावाला त्याच्यामुळे मग आता श्रुती बनू लागू राहिली मला मदत करू लागू राहिली गुड बर्थडे पार्टी ये देखो मम्मी के लिए बर्थडे की एक हैट भी लाई है हैप्पी बर्थडे मम्मी आई ही घालून कर स्वयंपाक ये घालून स्वयंपाक कर ये देखो केक भी लाया है एक मस्त वाला और आज दिन भर लाइट ही नहीं है भाई पिघल जाएगा तो कैसा रहेगा फिर वो केक क्या खाओ मुझे भूख लगी यार मोतीचूर का लड्डू खाता हूँ एक और भाई मैं क्या खा रहा हूँ देखो ये है गुड़ और मूंगफली उसका मिश्रण ए हटे और दादाजी देखो क्या खा रहे हैं सेव और मोतीचूर का लड्डू कुत्ते परेशान कर रहे दादाजी को तो भाई खाना वाना बन के हो चुका है सब रेडी है नैवेद्य भी रेडी है और यहाँ पे बन रहा है शीरा सिमोलिना और यहाँ पे बन रही है रोटियाँ चलो भाई धीरे धीरे सब लोग आने लगे हमारे घर हमारे रिश्तेदार जादो फैमिली चलो भाई पूजा शुरू हो चुकी है यहाँ पे पूजा हो रही है अभी सचिन भाई का ताल नहीं चल रहा है कुछ मग ला आरती हां पल्लवी कैसी तब्येत अभी ठीक है ना चलो भाई अभी खाना वाना खा लेते हैं मम्मी का बर्थडे खाना वाना खाने के बाद सभी लोग बैठ गए एक ही बार खाना खाने के लिए अब इसके बाद सीधा लेडीज मल्लारी करुणा कर मधुवर ताप त्रिहारी धरिया भाव सागरी मधुरंका साथी धरी महासापती स्वामी राजास पावशी मला सत्य भरोसा म्हणून या तुझी मानली सुती पावसा तो रे महासापती असाई तुझी फार लागली दे निधी बुद्धी चांगली देऊ नको दुष्ट वासना तुझा वरी आमच्या मना वागवा सृष्टी सृष्टीला शक्ती दे बा तुझला सर्व सर्व शक्ती सर्व दे कर आम्ही माणसं लेकर सदा आनंदाचा चलो मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं लगे हाथ मम्मी का आज 40th बर्थडे है उसके लिए टोपी लाई थी ये हमारे छोटे भतीजे को पहना दिया हमने
Happy birthday to you. ये कौन सा केक लाया है भाई? क्रीम लाया है मम्मी। हैप्पी एनिवर्सरी। हाँ त्या दिवशी कोणी आजरी आहे कोण इकडे आहे तिकडे काहीच नाही। आपण 30-5 मोठा करू। पा बरं कॅमेरेवर आहे दिन। इन दोनों ने उनकी बीवियों को नहीं लाया था ना हमारे लेडीज के पार्टी में, इसलिए इससे पार्टी लेने वाले हम लोग। चलो भाई केक कितना टेस्टी है ना। तो चलो दोस्तों इस ब्लॉग को ये पे खत्म करते हैं। मम्मी का बर्थडे हमने आज सेलिब्रेट किया। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब।